तो क्या हालचाल है भाई लोग, आज अपन बात करेंगे ड्रेक AKA ड्रीजी AKA शैम्पेन पापी के बारे में, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्टिस्ट है अभी पूरे इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग इन्हें सुनते हैं और इनके बहुत ज़्यादा हिट गाने हैं, तो अपन आज इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, उनके पूरे संघर्ष की कहानी, उनके पूरे डे वन से लेके अभी तक की जर्नी अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि ड्रेक के ऊपर वीडियो बनाओ, और अपने वीडियो तीन सेक्शन में डिवाइड होता है, आपको पता ही है। पहले तो ड्रेक की पूरी संघर्ष की कहानी होगी, उसके बाद फिर हिप हॉप में जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको इंटरनेशनल वाले, और उसके बाद फिर एक आर्टिस्ट को शाउटआउट मिलेगा अंडरग्राउंड सीन से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं ड्रेक की बायोग्राफी। ड्रेक, जिनका असली नाम है ऑब्रे ड्रेक ग्राहम, उनका जन्म हुआ था October 24, 1986 टोरंटो ओंटारियो कनाडा में। ड्रेक के जो पिता है वो अफ्रीकन अमेरिकन डिसेंट के है, और जो ड्रेक की मॉम है वो कैनेडियन ज्यूइश डिसेंट की है, और इसी वजह से ड्रेक का बहुत ज्यादा मजाक वगैरह उड़ाया जाता था क्योंकि वो एक मिक्स डिसेंट के थे और उनपे काफी ज्यादा रेशियल कमेंट्स वगैरह भी लोग बात करते थे। लेकिन ड्रेक अपने पेरेंट्स के बहुत ही ज्यादा चाहते थे, और उनके जो पिता है वो ऑलरेडी एक म्यूजिशियन थे, और उन्होंने फिर धीरे धीरे ड्रेक को म्यूजिक वगैरह सिखाना चालू कर दिया था बचपन से ही। बचपन में ड्रेक ने अपने पिता से $5 का शर्त लगाया था कि मैं एक दिन आपसे ज्यादा म्यूजिक वगैरह बनाऊंगा। फिर अनफॉर्चुनेटली उनके माँ बाप के बीच में काफी ज्यादा झगड़े वगैरह होने लग गए थे, और 1991 में जाके दोनों ने डिवोर्स ले लिया था। और इसी तरह डिवोर्स के बाद ड्रेक अपने मॉम के साथ रहते थे, और उनकी मॉम एक स्कूल टीचर थी और वो काफी ज्यादा मेहनती थी, और ड्रेक का हर सपना पूरा करने के लिए वो हमेशा अपना 100% देती थी। ड्रेक की मॉम की जो है वो बहुत कम थी और वो बहुत ही मिडिल क्लास से आते थे, और ड्रेक बचपन में बहुत ज्यादा आइस हॉकी वगैरह खेला करते थे। जब ड्रेक 5 साल के थे तब से ही ड्रेक की मॉम ने उन्हें एक्टिंग क्लास में भेजा था, और उसके बाद उन्हें आगे चल के एक टीवी कॉमर्शियल मिल चुका था। और इसी तरह से ड्रेक को पहला अपना ब्रेक मिला एज एन एक्टर, और वो आगे चल के और भी बहुत सारे टीवी शोज वगैरह में अपीयर होने लग गए थे। I'm not doing that again. Doing what? I'm not waiting for you while you smash. Are you really? ड्रेक को बचपन से बास्केटबॉल वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और आप उनका इंस्टाग्राम वगैरह चेक करोगे तो आज भी वो एक अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर है। फिर आगे चल के मिड 90s में ड्रेक एक अच्छे लोकेलिटी में शिफ्ट हो गए थे, जहां वो पहले रहते थे उससे बेहतर एक जगह में वो शिफ्ट हो गए थे। लेकिन बावजूद इसके ड्रेक को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि वो एक्टिंग और अपना पढ़ाई एक साथ लेके चल नहीं पा रहे थे अच्छे से, और काफी ज्यादा उन्हें बहुत ज्यादा बाउंस करना पड़ रहा था दोनों फील्ड में। ये सब छोटी मोटी पॉपुलैरिटी के बावजूद जब भी ड्रेक अपने कम्युनिटी के कोई फंक्शन में जाते थे तो भी लोग उनका मजाक उड़ाते थे, क्योंकि वो एक मिक्स डिसेंट के थे। तो जैसे कि हमें पता है कि ड्रेक के मॉम डैड अलग हो गए थे, तो उसके बाद फिर ड्रेक समर हॉलीडेज यानी कि गर्मी की छुट्टियों में अपने डैड के पास रहते थे। उनके डैड रहते थे अमेरिका में, मेम्फिस टेनेसी में। मतलब डिवोर्स के बाद ड्रेक के डैड अमेरिका आ गए थे और ड्रेक और उनकी मॉम कनाडा में रहते थे। तो जैसे कि ड्रेक समर हॉलीडेज में अपने डैड के पास आते थे तो उन्हें बहुत ज्यादा कल्चर के बारे में नॉलेज मिलता था, मतलब बहुत ज्यादा वो हिप हॉप के बारे में मतलब समझ सकते थे, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा हिप हॉप कल्चर फेमस था। और इन सभी के बीच में ड्रेक की मॉम बहुत ज्यादा बीमार वगैरह भी होने लग गई थी। ड्रेक अपने मॉम और डैड से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, और ड्रेक जब भी अमेरिका आते थे तो उनके डैड के साथ हैंग आउट करते थे, क्योंकि उनके डैड एक म्यूजिशियन थे तो ड्रेक को बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलता था। यानी हम ये कह सकते हैं कि ड्रेक एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। ना केवल उनके डैड ही नहीं बल्कि उनके दो अंकल भी म्यूजिशियंस थे, और वो काफी ज्यादा पॉपुलर भी थे उस टाइम पे। और धीरे धीरे ड्रेक एक्टिंग के साथ साथ गाने वगैरह भी लिखने लग गए थे। अपने एक नोटबुक में वो बहुत सारे गाने वगैरह लिख के रखते थे। वो बहुत अलग अलग प्रकार के गाने लिखते थे, लेकिन उनका जो कोर इंटरेस्ट था वो हिप हॉप था, तो ज्यादा वो रैप गाने लिखते थे। और ड्रेक बहुत ज्यादा रैप सॉन्ग्स वगैरह सुनते थे। उनका जो शुरुआती इंस्पिरेशन था वो था जेजी और पुशा टी। और जब वो 15 साल के थे तो एक बार उनके अंकल उनको PDD के शो में लेके गए थे। PDD बहुत ही लेजेंडरी रैपर और एंटरप्रेन्योर है। इनका जो रिकॉर्ड लेबल था बैड बॉय रिकॉर्ड्स, उसमें बिगी साइन थे। बिगी से याद आया कि टूपाक और बिगी का भी बहुत ही जल्द बायोग्राफी कवर करना है। मतलब यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है टूपाक और बिगी के ऊपर, लेकिन वो सब कुछ तो भी बोल रहे हैं, मतलब इन्हें कल्चर मालूम नहीं और कुछ तो भी बोल रहे हैं। तो इसलिए हम बहुत ही जल्द कोशिश करेंगे कि टूपाक और बिगी के ऊपर बायोग्राफी कवर करें। हाँ, तो भाई लोग आप कमेंट करके बताओ टूपाक और बिगी में से आपको किसकी बायोग्राफी पहले चाहिए, और हाँ चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। हाँ, तो PDD के शो से ड्रेक को काफी ज्यादा इंस्पिरेशन मिल गया था, उन्हें एक विजन मिल गया था कि मुझे आगे चल के ये करना है। और साथ ही साथ ड्रेक का एक्टिंग करियर भी बहुत अच्छा चल रहा था, और उन्हें काफी ज्यादा टीवी शोज वगैरह मिल रहे थे, और उन्होंने एक टीवी शोज में रोल करा था जिसमें वो एक व्हीलचेयर में
में बैठे रहते, विकलांग थे उसमें, और वो टीवी शो काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। और ड्रेक इस शो में 6 साल लगातार कास्ट किए गए थे। और ड्रेक ने स्कूल वगैरह छोड़ दिया था ताकि उन्हें एक्टिंग करियर में ज्यादा फोकस मिले और वो अच्छा खासा अर्निंग कर पाए, ताकि उनको अपना घर भी संभालना पड़ता था, उनकी मॉम का जॉब तब छूट गया था। हाँ तो गाइस, ये जो भी टीवी शोज था वो कैनेडियन टीवी शोज था, अमेरिकन टीवी शोज नहीं था, ये कैनेडियन टीवी शोज था, क्योंकि ड्रेक अपनी मॉम के साथ कैनेडा में रहते थे। लेकिन ड्रेक अपने एक्टिंग करियर से तंग आ गए थे क्योंकि उनका जो असली पैशन था वो था म्यूजिक। लेकिन शुरुआती दिनों में ड्रेक को बहुत ज्यादा हेजिटेशन होता था कि यार कैसे मैं रैप करूंगा, मतलब एक मन में एक डर रहता कि यार कैसे मैं किसी के सामने रैप वगैरह करूंगा। लेकिन ड्रेक अपने मॉम और डैड को अपने रैप वगैरह सुनाया करते थे, और जो ड्रेक के डैड थे वो काफी बार अरेस्ट वगैरह होते थे ड्रग चार्जेस वगैरह में। तो एक बार जब उन्होंने जेल से फोन लगाया ड्रेक को और बोला कि मेरा जो सेलमेट है मेरे साथ में जो जेल में रहता है वो भी एक रैपर है, तुम उसके कुछ रैप सुनाओ। इस तरह ड्रेक ने उस कैदी को अपना रैप सुनाया और वो कैदी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया था क्योंकि वो भी एक रैपर था, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा लिखा है तुमने। तो इसी तरह ड्रेक का हेसिटेशन धीरे धीरे खत्म हुआ। और उसी समय के दौरान हिप हॉप में बहुत ज्यादा नए नए चेंजेस आ रहे थे, ना केवल कल्चर वाइज ही नहीं बल्कि साउंड वाइज भी बहुत ज्यादा चेंजेस वगैरह आ रहे थे। और उस समय पे सबसे ज्यादा कोई धूम मचा रहा था तो वो था लिल वेन। उनका पूरा कार्टर फ्रेंचाइजी आपको मालूम है कितना शानदार है, और उनका जो कोलैबोरेशन एल्बम था बर्डमैन के साथ लाइक फादर लाइक सन, वो सब तब रिलीज हुआ था और वो बहुत ज्यादा टॉप पे थे। मैं तो लिल वेन का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो डेफिनेटली लिल वेन के ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे, तो लिल वेन के बारे में उस वीडियो में अपन ज्यादा डिस्कस करेंगे। हाँ, तो उस दौरान ड्रेक ने सोचा कि मैं अपने एक्टिंग करियर के साथ साथ अपना म्यूजिक करियर भी धीरे से आगे लेके जाऊंगा, और उन्होंने एक मिक्स टेप निकाला था जिसका नाम था रूम फॉर इंप्रूवमेंट। अपने फुल नेम ऑब्रे ड्रेक ग्राहम में से जो बीच का नाम था ड्रेक वो उन्होंने अपना स्टेज नेम चूज करा था, और इस मिक्स टेप को प्रोड्यूस करा था टोरंटो के बहुत ही टैलेंटेड प्रोड्यूसर जिनका नाम था बॉय वंडा। लेकिन रूम फॉर इंप्रूवमेंट जो मिक्स टेप था वो इतना ज्यादा खास कुछ चला नहीं, और ड्रेक को फिर वापस अपने एक्टिंग करियर पे फोकस करने के लिए फोर्स किया गया। लेकिन ड्रेक हार नहीं माने, वो न्यूयॉर्क वगैरह आते थे और वहां पे लोकल डीजेस वगैरह से बोलते थे अपना गाना वगैरह प्ले करो, और ड्रेक उसी दौरान पे फिर एक और मिक्स टेप की प्लानिंग भी कर रहे थे और आगे चल के वो म्यूजिक में ही ज्यादा अपना फोकस करने लग गए थे। और ड्रेक ने myspace.com वगैरह पे अपना प्रोफाइल बनाया और अपने आप को बहुत ज्यादा प्रमोट करने लग गए ताकि लोग उनके ज्यादा से ज्यादा गाने सुने। और 2007 में उन्होंने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया था और उन्होंने अपना फुल टाइम फोकस म्यूजिक पे ही करा। इसके बाद ड्रेक ने अपना दूसरा मिक्स टेप निकाला जिसका नाम था कमबैक सीजन। उसमें एक गाना था रिप्लेसमेंट गर्ल जिसमें फीचरिंग थे ट्रेस सॉन्ग्स, और उन्होंने अपने जेब से पैसे डाल के ये वीडियो बनाया था, और ये वीडियो काफी अच्छा ब्लू अप हो गया था। और इवेंचुअली ये गाना जाके पहुंचा जैस प्रिंस नाम के एक बंदे के पास, और उनके जो डैड है जैस प्रिंस के उनका नाम है जे प्रिंस, और उनका खुद का रिकॉर्ड लेबल है जिसका नाम है रैपेलॉट रिकॉर्ड्स। जैस प्रिंस के जो डैड है जे प्रिंस, उन्होंने कहा था कि अपने रिकॉर्ड लेबल के लिए कुछ नए आर्टिस्ट चाहिए और उनको डिस्कवर करो। तो ऐसे फिर जैस ने फिर ड्रेक को डिस्कवर करा, उनका माइस्पेस वगैरह सुना, और उन्होंने जो सुना उन्हें बहुत अच्छा लगा, और फिर जैस प्रिंस ने जो है ड्रेक को कॉन्टैक्ट किया और ड्रेक से उनने कुछ गाने लिए ताकि वो अपने डैड को सुना पाए। लेकिन ड्रेक ने कभी जैस को सीरियसली लिया ही नहीं था उस टाइम पे। I like your music. He was like, okay. I was like, I'm gonna make you famous. He was like, I hear that a lot. लेकिन जैस प्रिंस ने जो ड्रेक से गाने लिए थे वो उन्होंने अपने डैड को सुनाए, तो लेकिन उनके डैड को इतना कोई खास कुछ लगा नहीं था। ड्रेक के लिए ये टाइम बहुत ही ज्यादा हार्ड था क्योंकि उन्होंने अपना एक्टिंग वगैरह छोड़ दिया था और म्यूजिक में भी उनका कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एक दिन ड्रेक बार्बर शॉप गए थे हेयर कट के लिए, तब उनके पास एक कॉल आया था, वो था सीधा लिल वेन का। और लिल वेन ने तब कार्टर 3 ड्रॉप करा था और ग्रैमी वगैरह जीत चुके थे, और मतलब कि रैप गेम में वो काफी ऊपर थे। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जैस प्रिंस ने जैसे कि अपने डैड को सुनाया था और उनको पसंद पसंद नहीं आया था, लेकिन जैस प्रिंस ने ये गाना लिल वेन को सुनाया। लिल वेन को भी शुरू में इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा, लेकिन वो कार चला रहे थे और उतने में उन्होंने एमिली का एक रिमिक्स था, लिल वेन का एक गाना है उसका रिमिक्स ड्रेक ने करा था, और वो एकदम से इससे कनेक्ट हो गया और उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। जैसे ही ड्रेक और लिल वेन की बात हुई थी उसके नेक्स्ट डे ही ड्रेक को बुला लिया था लिल वेन ने अपने पास, और उसके बाद यंग मनी एंटरटेनमेंट के अंडर में उन्हें साइन कर लिया गया था। यंग मनी एंटरटेनमेंट लिल वेन का वेंचर था जो कैश मनी से जुड़ा था या है मुझे पता नहीं, क्योंकि बर्डमैन से लिल वेन का इशू कुछ हुए तो उसके बाद शायद यंग मनी अलग हो चुका है या अभी भी शायद कैश मनी से ही जुड़ा हुआ है। और लिल वेन ने सच बताओ तो बहुत खतरनाक आर्टिस्टों को डिस्कवर करे, जैसे कि टाइगा हो गया, निकी मिनाज हो गया, ड्रेक हो गया, तो ये सब पूरे सीन में मतलब पूरे इंडस्ट्री में पूरा एक रेवोल्यूशन क्रिएट करा है इन्होंने। हाँ, तो निकी मिनाज की भी लाइफ की स्टोरी हमने कवर करा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए देखिए। हाँ, तो यंग मनी एंटरटेनमेंट साइन होने के बाद उन्होंने एक मिक्स टेप निकाला जिसका नाम था सो फार गॉन। उसमें एक गाना था बेस्ट आई एवर हैड जो था चार्ट टॉपर, वो गाना सबसे सुपर हिट था, आप एक बार जाके सुनना अगर सुना नहीं है तो। सो फार गॉन का एक गाना है जिसका नाम है बेस्ट आई एवर हैड। और उसके बाद तब से लेके अब तक ड्रेक को एक बार भी पीछे मुड़के नहीं देखना पड़ा, उनके सारे एल्बम सुपर हिट थे और उनके गाने सारे अच्छे थे, और काफी ज्यादा आर्टिस्ट के साथ उन्हें कोलैबोरेशन भी करा है और बहुत सारे आर्टिस्ट उनके साथ काम भी करना चाहते हैं, और बहुत सारे अपने आर्टिस्टों के लिए वो एक मोटिवेशन भी है। और इंडिया में भी
काफ़ी ज़्यादा लोग ड्रेक को सुनते हैं और ड्रेक का एक गाना बहुत ट्रेंड में चला था टिकटॉक पे, की डू यू लव मी, मतलब इन माई फीलिंग्स जो गाना था वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा था। ड्रेक बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी जीत चुके हैं, उनमें से 4 ग्रैमी अवार्ड उन्हें अब तक मिल चुका है और ड्रेक एक अलग ही लेवल ऑफ सक्सेस पे आ चुके हैं। मतलब बंदे के पास एरोप्लेन तक है, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। ड्रेक को एक बेटा भी एडोनिस ग्राम जो बिल्कुल ड्रेक की मॉम की तरह दिखता है और ड्रेक का पर्सनल लाइफ अपन एक अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। तो ड्रेक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है कि अगर अपना पैशन जिस चीज़ में अगर उसको अपन फॉलो करेंगे तो हमें ज़रूर सक्सेस मिलेगा। तो इसी के साथ ड्रेक की बायोग्राफी आज अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। तो जल्दी से मैं आपको कुछ हिप हॉप के अपडेट्स दे देता हूँ। 6ix9ine का नया एल्बम टैटर टेल्स आ चुका है, आप एक बार जाके सुनिए। और उसके बाद ASAP फ्रैग है, उनको ASAP मॉब से बाहर निकाला गया है ऐसा न्यूज़ आया है। और ट्रैविस स्कॉट का रिसेंटली मैकडोनल्ड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। हाँ, आज जिस आर्टिस्ट को शाउटआउट मिलेगा उनका नाम है जयांश म्यूजिक, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। भाई को इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करना और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इनके गाने की, आप जाके जरूर और भाई को सपोर्ट करना। और इनके साथ मेरा नया गाना भी आ रहा है तो बहुत जल्द भाई के चैनल में सब्सक्राइब करना और इनका गाना में छोटा सा भी प्ले कर देता हूं। और जाने से पहले मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना जरूर। और एक छोटा सा फंडा दिमाग में रखना, अपने को इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना है और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना है। For talking to you, introduce me, baby. My life has been on a leave which doesn't shed. Please let me sleep, but that's a fact. It doesn't come to me. Ye dali raat aur subah hui, mere sapno mein sirf tu dikhi.